गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू वेल। मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे हम, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में वन से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। जिस बच्चे ने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं देखे, वो पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ टुडे आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 17। इफ एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस टी साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कोस टी, यू हैव फाइंड डबल डेरिवेटिव। आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, राइट? डबल डेरिवेटिव बहुत ध्यान से देखना है, कैसे इसके अंदर करना होता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखेंगे आप। फर्स्टली यू हैव फाइंड डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे तो ए डेरिवेटिव ऑफ कोस टी माइनस साइन टी होता है। डेरिवेटिव ऑफ कोस टी क्या होता है? माइनस साइन टी। टी साइन टी का फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज टी का डेरिवेटिव वन, और इस साइन टी से ये साइन टी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा? ए टी कोस टी, ये आपके पास डी एक्स बाई डी टी आ गया। भाई बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को, डी एक्स बाई डी टी आ गया। ऐसे ही वहां से निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, ए डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इज कोस टी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट ए कोस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी एंड माइनस माइनस प्लस, ये हो गया था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन, तो माइनस प्लस माइनस कोस टी। देखिए भाई, टी कोस टी है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस कोस टी से कोस टी कैंसिल हो गया, अब आपके पास आ गया ए टी साइन टी, ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी टी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? समझ आ गया अच्छी तरह से? नाउ यू हैव फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? ए टी साइन टी है ना, डिवाइड बाई ए टी कोस टी, ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास? 10t। इतना टाइप का क्वेश्चन तो आप पहले भी कर चुके हो जब मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म करवाई थी आपको, है ना। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव। वो कैसे निकलेगा ध्यान से देखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स जो आपका निकला है वो निकला 10t, आपको निकालना डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर डबल डेरिवेटिव, और एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? एक्स के में। तो 10 का जो डेरिवेटिव निकलता है सिकेंड स्क्वेयर टी, क्या होता है? सिकेंड स्क्वेयर टी, लेकिन मैंने बोला है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टी का भी निकाल लेंगे, तो क्या निकलेगा? डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई टी एक्स, राइट? डी टी बाई डी एक्स यानी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स होगा। नाउ सिकेंड स्क्वेयर टी, सिकेंड स्क्वेयर टी, अब यहाँ पर यह है डी टी बाई डी एक्स, चेक करो ये डी एक्स बाई डी टी है आपके पास, ये क्या है? डी एक्स बाई डी टी। मुझे क्या निकालना है? डी टी बाई डी एक्स, यानी इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? वन अपॉन ए टी कोस टी। अब आप अगला स्टेप में कोस को भी ऊपर ले जाएं, सिकेंट हो जाएगा, सिकेंट क्यूब टी और वन बाई ए टी, यही आपका आंसर होगा। दिस विल बी योर आंसर, सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे निकलेगा। दोबारा फिर देख लीजिए क्वेश्चन।
आपके पास x फंक्शन था, y था, आपने x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकाला, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकाला, यहाँ से dy by dx निकल गया। अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो t के रिस्पेक्ट में निकालना है tan t का डेरिवेटिव secant square t और t का dt by dx। नाउ dt by dx, ये dx by dt रहा, इसका उल्टा कर दिया 1 by at cos t, cos ऊपर जाके secant हो गया, secant cube t dt। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 18। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश सिक्स एक्स इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, एग्जिस्ट का मतलब जब डबल डेरिवेटिव हमारा फाइंड आउट हो जाए, है ना, यानी हम कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है या नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेते हैं, आपने क्लास 11th में पढ़ा था। तो पहले मोड ऑफ एक्स को आप ओपन करें, कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स को एक बार एक्स क्यूब और एक बार माइनस एक्स क्यूब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब एक्स की वैल्यू वन, जीरो या जीरो से बड़ी होगी, तो इस मोड को जब ओपन करते हैं तो प्लस का साइन आता है, और यहाँ पर एक्स इज लेस देन जीरो आएगा। इस बात को नोट कर लें आज की डेट में कि मोडलस फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि कोई मोड ऑफ फंक्शन है, मोड ऑफ एक्स है ना, तो मुझे इस मोड को ओपन करना हो तो कैसे लिखूँगा बेटे, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। क्लियर है? और सपोज करें, कोई और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ऐसा कोई एग्जांपल है एक्स माइनस टू, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो मॉडलस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उसको जीरो के इक्वल पुट कर लो। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी, यहाँ पर एक्स माइनस टू को जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी ना, टू आएगी ना, तो कैसे ओपन करेंगे देखो ध्यान से, एक्स माइनस टू एक बार तो पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू टू या टू से बड़ी होगी, और आगे साइन माइनस का लग जाएगा, कब लगेगा, जब एक्स की वैल्यू टू से छोटी होगी, यानी जब स्मॉल होगा, लेस देन होगा, तो माइनस का साइन लगेगा, और ग्रेटर देन हो तो किसका लगेगा, प्लस का, यानी मोड को ऐसे ब्रेक किया जाता है। समझ आ गया अच्छी तरह से? ग्राफ भी यदि मैं आपको दिखाऊं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यदि मोड ऑफ एक्स का ग्राफ मैं तुम्हारे आगे बनाना दिखाऊं, तो एक्स अभी मैंने बताया, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी होगी तो एक्स की वैल्यू ये ऐसे ग्राफ जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा, माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा, एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा। ये मेरा कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्टीन्यूस। समझ में आ गई? कॉन्टीन्यूस क्या होता है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जब हम जिसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके ग्राफ ड्रॉ में मुझे पेन ना उठाना पड़े, पेन ना उठाना पड़े, ऐसे फंक्शन को हम कॉन्टीन्यूस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ जाए मेरे को, साइन का जब हम ग्राफ बनाते थे तो मैं ऐसे करता था, मैंने कहीं पेन नहीं उठाया, समझ में आई बात, तो ऐसे फंक्शन हमारे क्या होते थे, कॉन्टीन्यूस। तो अपने यहाँ याद रखना है एफ एक्स इज इक्वल टू, अब डेरिवेबल चेक करना है डेरिवेटिव, तो ये एफ एक्स लिख दिया, अब मेरे को इसका डब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स। जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वेयर, बात वही, और इसका क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वेयर इफ एक्स इज लेस देन जीरो। समझ आ गया बेटे, फर्स्ट डेरिवेटिव समझ में आ गया। ऐसे ही मुझे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो, कितना आएगा बेटे, और ये बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डबल डेरिवेटिव बताना था, ऑल रियल वैल्यूज पर ये एग्जिस्ट करता है, डबल डैश एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर रियल वैल्यूज पर आपका जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। आपको मैथमेटिकल इंडक्शन जो क्लास 11th में पढ़ा था, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आपको इस क्वेश्चन में इसका यूज करना है, और आपको प्रूव करना है डी बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू
एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ये आपको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो क्लास इलेवंथ में जो टॉपिक चैप्टर फोर में अंदर पढ़ा था वो इसके अंदर यूज होगा। इसके अंदर थ्री स्टेप्स होंगे इस क्वेश्चन में ना, देखिए भाई ध्यान से जल्दी जल्दी। फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप फर्स्ट होता है पुट एन इज इक्वल टू वन। यदि इलेवंथ में आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए, डी बाई डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन की जगह वन पुट करना है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो एक्स की पावर वन तो एक्स ही होता है, नहीं डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर वन एक्स, और डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, इज इक्वल टू राइट एंड में एक्स की पावर वन में से वन गया, किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या होती है वन, तो ये ट्रू होगी बात। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू के, एन की जगह के पुट करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स, एक्स रेज टू पावर के इज इक्वल टू के एक्स रेज टू पावर के माइनस वन। क्या लिखा बच्चे, एक्स रेज टू पावर के इज इक्वल टू के ए एक्स रेज टू पावर के माइनस वन, एक्स की जगह के पुट कर, एन की जगह के पुट कर दिया, बस सेकंड स्टेप में इतना ही करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो देखिए ध्यान से डी बाई डी एक्स, एक्स रेज टू पावर एन की जगह क्या पुट कर दिया के प्लस वन, राइट एंड में भी के प्लस वन, एक्स रेज टू पावर के प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, तो के प्लस वन एक्स रेज टू पावर के, यानी ये प्रूव करना है मेरे को। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से, ये मेरा आंसर आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना। आप ध्यान से देखना लेफ्ट हैंड साइड को क्या सोल्व करना, डी बाई डी एक्स, बहुत ध्यान से देखना है, एक्स रेज टू पावर के प्लस वन मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर के इंटू एक्स लिख सकता हूँ क्या, है ना, बेस सेम पावर एड हो जाती है, तो u इंटू वी का फार्मूला लगा दो यहाँ पर, क्या होगा फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका डेरिवेटिव वन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर k, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट लाइन, एक्स रेज टू पावर k है एज इट इज प्लस x, एक्स रेज टू पावर k d बाई डी एक्स, देखो भाई d बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर k, देखो ध्यान से ये रहा d बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर k इसके इक्वल है, तो ये उठा करके यहाँ रख दो एज इट इज k एक्स रेज टू पावर k माइनस वन। आपको मेरी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट लाइन में एक्स रेज टू पावर k प्लस k x, देखो यहाँ पर पावर वन, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर जुड़ जाएगी, माइनस वन प्लस वन जुड़ गई, तो वन से वन कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, एक्स रेज टू पावर k प्लस k x रेज टू पावर k। अब आप देखेंगे दोनों में x रेज टू पावर k कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वन प्लस k x रेज टू पावर k, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, देखो ध्यान से यही आपको प्रूव करना था। हैंस बाय पीएमआई दिस डेरिवेटिव विल बी सेटिस्फाई एट फॉर ऑल इंटीजर्स, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 20। यूजिंग द डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव का यूज करना है, साइन ए, प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएट, ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। इसका डेरिवेटिव करके आपको जो फॉर्मूला बनाना है वो कोस का बनाना है। आपको पता है कि भी साइन का डेरिवेटिव कोस होता है ना, इस फंक्शन इसको फार्मूले को भी आपने कोस में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करते हैं, आपके पास क्वेश्चन फार्मूला साइन का दे रखा है, साइन ऑफ ए प्लस बी, और साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी
प्लस कोस ए साइन बी, यही होता है, ये गिवन है मेरे पास। अब यहाँ पर देखो x तो है नहीं ना, ठीक है, तो ये वेरिएबल मानने पड़ेंगे थोड़े से, डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस ए प्लस बी, और a का डेरिवेटिव डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मैंने क्या किया है बेटे, डेरिवेटिव किया है, साइन का डेरिवेटिव क्या किया कोस ए प्लस बी, ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स, बी का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स विद है विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट साइड में। जब इसका डेरिवेटिव करूँगा तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, याद है आपको क्या लगेगा, साइन ए फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन बी, और बी का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स, कोई दिक्कत, फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़, और साइन ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस ए, और ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स, समझ आ गया, प्लस अब एक्स का कोस ए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस बी, और बी का डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स प्लस साइन बी एज इट इज़, और कोस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा साइन ए, और ए का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स। दोबारा फिर देखिए भाई मैंने कैसे किया, पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर इसमें लगाया है, इसमें लगाने के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कोस बी का माइनस साइन बी, और बी का डी बी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, साइन ए का डेरिवेटिव कोस ए और डी ए बाई डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, फिर प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कोस बी डी वी बाई डी एक्स माइनस साइन बी एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ए, एरे का डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स। नेक्स्ट लाइन कोस ऑफ ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल राइट एंड माजो, अब डी ए बाई डी एक्स वाले इकट्ठे लिख लो, डी ए बाई डी एक्स वाले इकट्ठे, ये वाला और ये वाला इकट्ठा है ना भाई, हैं दोनों में डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकालो तो क्या लिखा जाएगा बताओगे, कोस बी कोस ए माइनस साइन बी साइन ए, ऐसे लिखा जाएगा, प्लस डी बी बाई डी एक्स भी कॉमन निकाल लो इन दोनों में से, क्या लिखा जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो भी ध्यान से, इन टू टर्म्स में डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया, और इन टू टर्म्स में डी बी बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया, नहीं आया समझ में आ तक, अर्षिता क्या समझ अच्छी तरह से। नाउ अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये भी कॉमन निकल जाएगी, ये कॉमन निकल गई तो यहाँ क्या बच गया डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, और कॉमन क्या निकला मेरे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी राइट एंड, लेफ्ट एंड में क्या आपके पास कोस ऑफ ए प्लस बी और डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स को कैंसिल कर दोगे आप, इससे कैंसिल हो जाता है ना जैसे, तो आपके पास क्या बचेगा कोस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही आपका आंसर था, यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कोस का फार्मूला साइन में पूछ सकता है, साइन का कोस में कैसे भी पूछ सकता है, तो आपने विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव आपको ऐसे आपको प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो आज आपके चैप्टर 5 की मिसलिनियस एक्सरसाइज, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ट्राई करके देखने हैं, चैप्टर 5 की मिसलिनियस एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बार बार करके देखने हैं, ताकि आपके ये चैप्टर्स अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। जिस बच्चों ने अभी तक पहले वाले क्वेश्चंस की भी फिर भी प्रॉब्लम सारी है, तो अपनी चैनल पर जा करके दोबारा उन वीडियोज़ को वॉच करें, ध्यान से देखें, कर करके देखें अपनी नोटबुक के अंदर। जब भी आप, मेरा एक सजेशन रहेगा आप सभी के लिए कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं उस टाइम आप अपने हाथ में पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठें, ताकि जो लिख रहे हैं जो देख रहे हैं वो लिखें अपनी कॉपी में, ताकि वो आपको समझ आ सके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।